भारत ने पाकिस्तान को भेजा न्योता। एससीओ बैठक के लिए बिलावल भुट्टो को गोवा बुलाया। आर्थिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान यह मान चुका है कि उसे भारत के साथ शांति से रहना है। मुल्क के वजीर आजम भी स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान पिछले 3 युद्धों से चीख चुका है। इसी बीच खबर है कि भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान को गोवा में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक का न्योता भेजा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत पर परमाणु हमला करना चाहता था पाकिस्तान, यूएस के पूर्व विदेशी मंत्री का दावा। अमेरिका के पूर्व विदेशी मंत्री माइक एम्पियो ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुए घटनाक्रम को लेकर बड़ा दावा किया है। एम्पियो ने कहा कि तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें बताया था पाकिस्तान फरवरी 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के मद्देनजर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर, खजाना खाली, विश्व बैंक की मदद लटकी, रिपोर्ट में खुले कई राज। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खस्ता हाल है कि अब देश दिवालिया होने की कगार पर है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 8500 से अधिक कंटेनर्स पाकिस्तान के बंदरगाहों पर रुके हुए हैं। दिलाई जा रही शपथ, आम आदमी पार्टी का विरोध, सुरक्षा पर भी विवाद। दिल्ली नगर निगम MCD चुनावों के बाद निगम सदन की दूसरी बैठक मंगलवार को होगी, जिसमें दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर को चुने जाने की संभावना है। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात। गणतंत्र दिवस पर आसमान से निगरानी। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का खुफिया अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस के आएंगे अच्छे दिन, राहुल गांधी के बाद प्रियंका संभालेंगी मोर्चा। हर राज्य में महिला मार्च। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने से पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संभालने की तैयारी कर रही हैं। क्रिस हिपकिंस ने ली न्यूजीलैंड के 41वें PM की शपथ, जाने शपथ ग्रहण की अनोखी प्रक्रिया। लेबर पार्टी ने नेता क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में आज शपथ ली है।